So, hello to all of you. I hope everyone is doing fine. Now, तो आज का हमारे जो है नया कोर्स शुरू होने वाला है, ठीक है? दो मिनट रुकते हैं, सबको ज्वाइन कर लेने देते हैं और फिर बात शुरू करेंगे. सो आई होप सभी घर में होंगे, है ना? बाहर और निकलने की कोई जरूरत है नहीं, घर पे रहो, आराम से ना पढ़ो. चलो, आई होप एवरीवन हैज जॉइंड एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो ये है आपका क्लास सिक्स साइंस एनसीईआरटी समरी, ठीक है? प्रेजेंटेड बाय मी द डीएसटी. और ये जो कोर्स है आपका साइंस एंड टेक का, ये आपका यूपीएससी वालों के लिए है, ठीक है? सिविल सर्विस वालों के लिए, आईएएस वालों के लिए. तो ये कोर्स जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा ज़्यादातर बच्चों को जो साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं कि ऑनलाइन इंटरनेट पे साइंस एंड टेक का कोर्स ज़्यादातर कोई पढ़ाता नहीं है यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है? तो वो मैं करने वाला हूँ फ्री में, आपको यूट्यूब पे साइंस एंड टेक कोर्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल A1 क्वालिटी का, बेहतरीन, है ना? इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मन हो तो पढ़ लेना, है ना? इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पर अगर मन हो तो पढ़ लेना. आपके लिए, यूपीएससी के लिए ये कोर्स सफिशिएंट है, चाहे वो मेंस की बात हो या फिर प्री की बात हो, ठीक है? इस कोर्स के अलावा साइंस एंड टेक में आपको कुछ बाहर से नहीं पूछेगा, पर फिर भी आपका मन हो तो एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ करने की सोचना भी मत, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कोर्स देख लो, नोट्स रिवाइज कर लो मेरे, बहुत है बस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब. तो एज अ सेट, क्लास सिक्स एनसीईआरटी साइंस समरी, ठीक है? नाउ लेट्स बिगिन. तो चैप्टर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं पहले बायोलॉजी का. तो बायोलॉजी में पढ़ेंगे आज इस सेशन में, पूरी साइंस की एनसीईआरटी करेंगे हम सिक्स क्लास की, है ना? और ये पूरी एक घंटे में कर देंगे हम, शायद एक घंटे सवा घंटे में कर देंगे पूरी खत्म. और ये दोनों बाय लैंग्वेज में होगी, बायलैंग्वेज होगी पूरा कोर्स साइंस एंड टेक का आपका, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं. तो बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे हम? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट ऑफ फूड, गेटिंग नो अबाउट फूड, गेटिंग नो अबाउट प्लांट्स, राइट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स एंड बॉडी मूवमेंट्स. तो ये सब पढ़ने वाले हम किसमें? बायोलॉजी में. फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे फिजिक्स के ऊपर. फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स एंड फन विद मैग्नेट. ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में सब कुछ. फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम फैब्रिक टू फाइबर, वाटर, एयर अराउंड अस, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सॉर्टिंग मैटर इन ग्रुप एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज एंड चेंजेस अराउंड अस. ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? केमिस्ट्री में, ठीक है? चलिए तो क्लास शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू बायोलॉजी का, यानी कि आपकी साइंस की क्लास सिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू है फूड सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स, ठीक है? तो दोनों चैप्टर को मैंने कंबाइन कर दिया है, है ना? देखिए फूड वैरायटी क्या है. देखिए इंग्रेडिएंट्स विच आर एडिबल आर कॉल्ड फूड, ठीक है? इंग्रेडिएंट्स विच आर एडिबल आर कॉल्ड फूड, ठीक है? द सोर्सेज आर प्लांट, एनिमल्स, ड्राई सीड्स, स्प्राउट्स, नेक्टर्स, ये सब आपके सोर्सेज होते हैं. फिर आपके कुछ हर्बीवोरियस होते हैं, कुछ कार्निवोरियस होते हैं और कुछ ओमनीवोरियस होते हैं. कुछ हर्बीवोरियस होते हैं कार्निवोरियस और कुछ ओमनीवोरियस. हर्बीवोरियस होते हैं वो जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी टाइप के. कार्निवोरियस होते हैं वो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना? ओमनीवोरियस होते हैं वो जो दोनों खा लेते हैं, जो दोनों खा लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि बस ये कीवर्ड्स हैं सब, है ना? ये क्या है? सब कीवर्ड्स हैं. तो आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने होते हैं कि आपको बस कीवर्ड्स लिखने हैं, आपको उसमें फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी होती. आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, नोट्स आपको ऐसे बनाने कि भाई एक वर्ड को पढ़ते ही पूरी उसकी लाइन याद आ जाए जो पढ़ी है, ठीक है? नहीं तो आपके जो नोट्स बनेंगे ना, बड़े बड़े बल्कि नोट्स बन जाएंगे, उनको एक तो बनाने में एक साल निकल जाएगा, फिर उनको जब रिपीट करोगे तब एक साल लगेगा उसको रिपीट करने में, है ना? पॉलिटी के नोट्स आपने रिवाइज करें कब? जनवरी में. जुलाई आते आते आप साइंस एंड टेक पर पहुँचें, ठीक है? और फिर आप पॉलिटी भूल गए, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, है ना? ऐसा ना हो पाएगा. तो आपको करना क्या है? आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको बस कीवर्ड्स और फ्रेजेस लिखेंगे. आपको पूरी पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है. ग्रामर वगैरह सब छोड़ दो, बस ऐसा लिखो जो आपको समझ आ जाए, ठीक है? बाकी दुनिया जाए तेल लेने, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? आ जाओ. फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शुगर और स्टार्च को मिलकर बनाते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं. फूड ऑल्सो हैव डाइट्री फाइबर एंड फाटर, ठीक है? स्टार्च और आयरन को मिलाओ, आयोडीन को मिलाओगे तो ब्लू ब्लैक बनेगा वो. प्रोटीन CuSO4, कॉस्मेटिक सोडा यानी कि NaOH को मिलाओगे
तो वॉलेट बनेगा फैट पेपर क्रशिंग फूड। अच्छा आपने देखा होगा कि मान लो आपके घर में भटूरे बने है ना, या बाहर से लिया आपने जो भी करा मतलब, तो आप बेसिकली करते क्या, उसे पहले कागज़ के अंदर दबाते हो, उसे पिचकाते हो उसे कागज़ के अंदर, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा या एक्स्ट्रा फैट जो है उसका वो सारा पेपर में आ जाए। तो जब ऑयल आपका पेपर में आया था उसके ऊपर पैचेस बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे से बन जाते हैं तेल के। अब उन तेल के धब्बों में आर पार देखोगे ना आप, तो आपको उसके पास दिखेगा कि लाइट उसमें से पास हो रही है, ठीक है, यानी कि उसके आर पार आप थोड़ा हल्का देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ये ट्रांसलूसेंट कर देता है पेपर को, कौन, ऑयली पैचेस है ना। जब पेपर के ऊपर ऑयल लगता है तो वो पेपर को ट्रांसलूसेंट यानी कि थोड़ा सा पारदर्शी बना देता है, ठीक है। फिर कार्ब्स क्या होते हैं, एनर्जी होती है। फैट क्या होते हैं, मच मोर एनर्जी, मतलब कार्ब्स एनर्जी होते हैं, फैट और ज़्यादा एनर्जी होती है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो आपके डोले छोले बनाने के काम आते हैं। देखा होगा जिम जो जाते हैं उन्हें पता होगा कि भाई प्रोटीन शेक पिलवाते हैं, है ना, जो नहीं जाते वो उन्हें पता होगा, है ना। अब विटामिन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। विटामिन क्या हैं, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू गेन एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। विटामिन का काम क्या है, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। फिर अगेन वही सिर्फ फ्रेज है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कुछ ज़्यादा वो नहीं लाइन नहीं है ना, ना ही ज़्यादा ग्रामर पर ध्यान दिया गया, हालांकि मेरे को देना पड़ता है थोड़ा बहुत, पर आपको ज़्यादा ज़रूरत है नहीं ऐसी, है ना, क्योंकि मेरे को अपने नोट्स आप लोगों को समझाने हैं, पर आपको अपने नोट्स खुद को समझाने, तो अपने ग्रामर वगैरह छोड़ो, जैसे बन रहे बनाते जाओ। फॉर एग्जाम्पल ए होता है, बी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ये आपके क्या है, विटामिन के टाइप है। नाउ विटामिन ए कीप्स अप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, विटामिन सी हेल्प्स अस टू बॉडी फाइट टू अगेंस्ट मैनी डिजीजेस, विटामिन डी हेल्प्स अस टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, ठीक है। विटामिन सी का क्या काम है, विटामिन सी जो है फाइट करने में मदद करता है बहुत सारी डिजीज के, यानी कि बड़ी सारी बीमारियों के अगेंस्ट हमें बचाता है विटामिन सी। विटामिन ए अब मेरी स्किन और आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन डी जो है कैल्शियम को यूज़ करने में मदद करता है, ठीक है। नाउ कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, मतलब जो डाइट के टाइम पे खाए जाते हैं, कैसे क्या होते हैं वो, रफेजेस होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें होल ग्रेन, पल्स, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब आपके इंक्लूड हो जाते हैं। इनमें न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होता है ना, ये बस बल्क प्रोवाइड करते हैं, मतलब पेट भरने के काम होते हैं आपके, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता आपको, न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होते। तभी आपने देखा वो डाइट करते वक्त बेसिकली होता क्या, आदमी कमज़ोर हो जाता है ना, पतला नहीं होता वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। कमज़ोर होता है तो हमारा लिवर जो है, हमारी आंतें जो हैं, हमारे इंटेस्टाइन जो है, वो बेसिकली करते क्या है, जो हमारा एक्स्ट्रा फूड होता है ना उसे खा जाते हैं पहले तो इंटेस्टाइन हमारे, फिर लिवर का क्या काम करता है, लिवर जो है हमारा फैट को उसमें चेंज करता है स्टार्च में। अब स्टार्च क्या है, एक तरह से हमारी बॉडी के लिए एनर्जी है जो हमारी बॉडी को खाने से मिलती है, तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है उसे लिवर जो है स्टार्च में चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारा फैट जो है ख़त्म हो जाता है और हम पतले हो जाते हैं, है ना। तो इनडायरेक्टली हम क्या हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो डाइट क्या है, कमज़ोर होने की प्रक्रिया है। ऑल राइट, नाउ वाटर अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एक्सक्रीटिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल यूरिन एंड स्वेट, ये पढ़ लेना। नाउ एक बैलेंस डाइट क्या होती है, एक बैलेंस डाइट में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होता है, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लस रफेजेस प्लस वाटर, ठीक है। आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हो जाओ डाइट में चले जाओ, रफेजेस भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई पूरा बेहतरीन तरीके से मोटे हो गए, है ना, ओबेस हो गए। फिर आपका वाटर जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो होना चाहिए। फिर ये बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, नीदर टू मच और नीदर टू स्मॉल। ये क्या करता है, ग्रोथ मेंटेन गुड हेल्थ, इसलिए हमारे फायदेमंद होते हैं क्या, एक बैलेंस डाइट, राइट। नाउ डोंट पील, डोंट वॉश टू मच और डोंट ओवर कुक द फूड्स और मे बी विटामिन डी विटामिन सी सॉरी मे बी इट्स गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब फलों को या सब्जियों को छीलो मत, उन्हें ज़्यादा धो मत या फिर उन्हें ज़्यादा ओवर कुक मत करो, जिससे आपका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी आपके जा सकते हैं उसमें से, ठीक है। नाउ डाइट में ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ओबेसिटी कर देता है, जैसे मैंने बताया रफेजिस का काम होता है थोड़ा पेट भरने का, जिससे कि आप ज़्यादा फैट ना लो और उससे आपकी ओबेसिटी ना बढ़ जाए, तो ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है। लैक ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन अ फूड कॉज डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब आपके फूड में कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो आपको कोई उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन से देख लेते हैं, आ जाओ, ठीक है। पहला है विटामिन, कौन सा है, ए। विटामिन ए से क्या होता है, आपको लॉस ऑफ विजन होता है। सिम्टम्स क्या क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस इन नाइट, ठीक है। इनको सोर्सेज क्या है, इनको रिकवर करने के या फिर इस चीज़ को ठीक करने के, पल्सेज है, सोयाबीन ग्राम्स एक्सेट्रा, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, पनीर, एग एंड मीट। नाउ विटामिन बी वन क्या है, इससे क्या होता है, विटामिन बी वन से होता है
इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, डेफिशिएंसी से यानी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, एक डिजीज़ है। इससे आपके मसल जो है वो वीक हो जाते हैं और आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। इसको ठीक करने में हमारा लीवर बड़ा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, मतलब आपके जो मसूड़े होते हैं उनमें खून निकलने लग जाता है ना। आपके जो वाउंड्स होते हैं मतलब आपकी चोटें जो हैं, आपके जख्म जो हैं वो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। ऑलराइट, यही मैंने बताया था कि विटामिन सी का क्या काम होता है, जो आपका बॉडी को डिजीज़ से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, नाउ अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या करना है आपको, गुआवा खाना है, लेमन खाना है, ऑरेंज खाने हैं, आंवला खाना है, और भी काफ़ी ज़्यादा सिट्रिक फूड जो है वो खाने हैं। राइट, सिट्रिक मतलब खट्टे फूड जो होते हैं ना वो आपको खाने, जिससे विटामिन सी आपको मिल जाए। खट्टे फूडों में, खट्टे फूड्स में आपको विटामिन सी मिलता है। राइट, नाउ विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, आपकी बोन जो है, आपके हड्डियाँ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो बैंड होने लगे, मुंडने लग जाती है ना। नाउ इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मिल्क, बटर, एग और फिश ऑयल, ये आपको चीज़ें लेनी है इसको ठीक करने के लिए। आप कुछ न्यूट्रिएंट्स होने वाली कमी देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम से क्या होता है आपको, बोन एंड टूथ ठीक होता है आपको, जैसे आपकी बोन्स जो है वीक हो जाएंगी, आपका दांतों में सड़न हो जाएगी है ना। इसके लिए आप मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आयरन, सॉरी, आयरन से क्या होता है, जॉइटर होता है। जॉइटर बता होगा, वही आपकी जो ग्लैंड होती है ना, ये गले वाली है ना, इसके आसपास आपको सूजन आ जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं जॉइटर। फिर इसके लिए आपको सीवीड, सेलगी, सी फूड या इनकी, ये सब आपको खाना है। आयरन से क्या होता है, अनीमिया होता है, वीकनेस आ जाती है आपकी बॉडी में। एग, लीवर, रेड मीट, ये सब आपके काम की चीज़ें इसमें। नाउ चैप्टर नंबर 3, फैब्रिक टू फाइबर। फैब्रिक क्या होता है, एक कपड़े की सबसे छोटी चीज़ जो होती है ना, सबसे छोटी चीज़ उसे कहते हैं फैब्रिक है ना। उससे आपको फैब्रिक बनाना है, आपको फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाना है। कपड़े की सबसे छोटी इकाई को हम फैब्रिक कहते हैं। उससे आपको क्या बनाना है, कपड़ा बनाना है पूरा का पूरा। एक आओ बनाते हैं, देखो, कॉटन, वूल, सिल्क, सिंथेटिक है ना, या कॉटन, वूल, ये सब आपके सिंथेटिक हो या प्योर हो है ना, ये सब क्या होते हैं, फैब्रिक होते हैं। अब वूल कहाँ से मिलता है, रैबिट, याक, कैमल, शीप, गोट, इनसे मिलता है। सिल्क कहाँ से मिलता है, ककून से मिलता है। ठीक है, अब लूज थ्रेड, लूज थ्रेड से क्या बनता है, यान होता है इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसको पुल करके, दे कैन बी पुल्ड, नाउ थिन स्ट्रैंड्स इन अ सिंगल यान फाइबर, इसको हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं जब, तो उससे क्या बनता है, यान बन जाता है आपका। एक फाइबर को आप स्पिन करते हो, एक फाइबर आपका, उसमें आपको 2 फाइबर हैं, 3 फाइबर हैं, इन सबको आपने स्पिन करा, ऐसे ऐसे करके मिला दिए, तो क्या बन जाएगा बेसिकली, कि अपना एक धागा बन जाएगा, फाइबर बन जाएगा, एक आपका यान बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर यान को फैब्रिक में बदलने के आपको वीविंग करना होता है या फिर निटिंग करना होता है। आपने देखा होगा ऊन जो होता है ना, ऊन वो एक यान होता है। आप ऊन को जब क्या कहते हैं उसे, बुनाई करते हो, निटिंग करते हो उसकी, तो क्या बन जाता है, एक फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है, एक स्वेटर वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, अब उसको थोड़ा टाइट कर दोगे, यान को आप पतला रखोगे और उसको टाइट कर दोगे निटिंग को, तो एक आपका अच्छा, जैसे आप शर्ट वगैरह पहनते हो ना वैसा कपड़ा बन जाएगा वो। ठीक है, जूट वेस्ट बंगाल में बहुत होता है, बिहार में होता है, असम में होता है, बांग्लादेश में होता है ना, ये सब आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे। जो आपकी स्टेम होती है उसे पानी के अंदर रखते हैं कुछ दिनों तक, फिर आपका फाइबर जो है सेपरेट हो जाता है उससे। क्लॉथिंग जो है एंशियंट टाइम में क्या होती थी, लीव्स होते थे, ट्विग्स होते थे, वाइन्स होती थी, वेन्स होती थी, एनिमल पीसीस होते थे, और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इंटू लॉन्ग स्टैंड्स, मतलब आपको जो बाल वगैरह उन्हें बना लेते थे एनिमल्स के है ना, या फिर पत्ते वगैरह पहन लेते थे, ट्विग्स वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके एंशियंट टाइम के क्लॉथिंग्स होते थे। फिर फाइबर जो है उसे स्पिन करेंगे आप तो बनेगा यान, यान को आप वेव करेंगे या निट करेंगे तो बनेगा फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक क्या है, अल्टीमेट प्रोडक्ट, यानी कि फैब्रिक को आप फिर काट पीट के जो आपको शर्ट वर्ट बनानी है वो बना सकते हो आप। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब जो आपके मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, ग्रुपिंग हेल्प्स अस इन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एंड अ बेटर स्टडी एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, जो आपकी ग्रुपिंग है उससे आप क्या करते हैं, एक स्टडी कर सकते हो अच्छे से, एनालिसिस कर सकते हो, ऐसी कुछ चीज़ें और कर सकते हो। ठीक है, फिर मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर हैव लस्टर, लस्टर मतलब एक हल्की सी जेंटल सॉफ्ट ग्लोसी होती है उस पर, देखा होगा आपने, हर मेटल पे होती है, ज़्यादा एल्युमिनियम पे होती है, आयरन पे भी होती है, कॉपर पे होती है, हल्की सी चमक सी होती है उसके ऊपर। फिर दैट टाइम जब आप उसे वाटर या एयर के कॉन्टेक्ट में ले आते हो तो वो उसमें रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है। अब मेटल्स जो है या मटेरियल्स जो है आपके 2 ग्रुप में होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड।
सॉफ्ट हार्डनेस को जानने के लिए हमें मिलता है क्या, मोह स्केल। ठीक है, किसी मटेरियल की मिनरल की हार्डनेस को जानने के लिए हमें मिलता है क्या, मोह स्केल। जैसे आपको होता है पहले 0 पे होता है, सॉरी चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 1 पे होता है आपका टॉर्क, यानी कि सबसे सबसे जो है सॉफ्ट मटेरियल होता है। ठीक है, फिर आप मिनरल होता है, सॉरी फिर जिप्सम आता है, फिर कैल्शियट आता है, फ्लोराइट आता है, एपटाइट आता है, ऑर्थोक्लेस आता है, फिर क्वार्ट्ज आता है आपका, फिर टोपाज आता है, फिर कोरंडम आता है, फिर डायमंड आता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट अकरिंग मटेरियल इन द नेचर। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट अकरिंग मटेरियल इन द नेचर। ठीक है, नेचर में सबसे कठोर जो चीज़ मिलती है वो डायमंड होती है। आई रिपीट, नेचर में मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे डायमंड से ज़्यादा कठोर चीज़ नहीं है, बिल्कुल है, पर नेचर नेचुरली अकरिंग नहीं है, नेचुरली सबसे ज़्यादा हार्ड डायमंड ही है अभी तक जिसे हमने खोजा है। ठीक है, फिर कुछ सॉल्यूबल होता है, कुछ इनसॉल्यूबल होता है, कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब मान लो आपके कुछ एक बहुत सारी चीज़ आपने मिला दी एक साथ, अब उनको आपको अलग अलग करना बैठ के, तो इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम कि उन्हें अलग अलग कैसे करते हैं। उनको करते हैं आप थ्रेशिंग से करते हैं, विनोइंग से करते हैं, है ना। ठीक है, फिर सेडिमेंटेशन होता है आपका, फिर कुछ डिकेनेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब किसी मान लो एक फ़िल्टर लगा लिया आपने छोटा, उसके अंदर आपने चीज़ें डाल दी, जो मोटी चीज़ होंगी वो नीचे निकल जाएंगी, इंप्योरिटीज़ या प्योर चीज़, और इंप्योरिटीज़ या प्योर चीज़ ऊपर बच जाएगी एक, है ना, एक नीचे चली जाएगी एक ऊपर चली जाएगी, राइट। अब मान लो आपको, मान लो रेत में से आपको कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो अलग करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा कपड़ा लोगे जिसका जो है फिल्टर, जिसको जो इसके पोर्स जो हैं, जिसके छेद जो हैं, है ना, वो इतने बड़े हैं कि उसमें से रेत नीचे आ जाए और कंकड़ ना आए, तो आप क्या करोगे, कंकड़ जो है नीचे आ जाएंगे, या उसमें एट द मोमेंट आप उसमें कपड़े के ऊपर उस रेत और कंकड़ के मिक्सर को डालोगे, तो रेत जो है वो नीचे आ जाएगा और कंकड़ आपके ऊपर बच जाएंगे, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, नाउ इवेपोरेशन होता है कुछ, इवेपोरेशन क्या होता है, वाटर इनटू वेपर, और इसके अपोजिट को कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, मान लो ये आपका कोई क्या है, बर्तन है आपका कोई, इसके अंदर है पानी बहुत सारा, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी। अब इसके नीचे हमने लगा दी क्या, आग, फ्लेम जला दी इसके नीचे हमने, है ना, अब इसके थोड़ा ऊपर हमने इसका ढक्कन लटका दिया, अभी क्या होगा, अभी वाटर जो है ना ये गर्मी की वजह से इवेपोरेट होगा, इस केस में गर्मी की वजह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी में होता है, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन चलता रहता है, पर ये मान लेते हैं कि गर्मी की वजह से इवेपोरेट होगा वाटर और ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अभी इवेपोरेट हो गया पानी, इसे क्या क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अभी इवेपोरेट होके ऊपर जाके जम जाएगा, इस पर टकराएगा और ये यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 ये क्या बन जाएगा, पानी की बूंदें बन जाएंगी आप छोटी छोटी। तो हुआ क्या, आपके जो है जो आपका वेपर था उससे आपका क्या बना, फिर दोबारा वाटर बना, पहले आपका वाटर से वेपर बना, फिर वेपर से आपका दोबारा वाटर बन गया, तो इसे क्या कहते हैं, वेपर से वाटर बनने को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, और वाटर से वेपर बनने को क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो आप किसी, वेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड। आप किसी चीज़ में जब आप, एक होता है सोल्यूट आपका, ठीक है, और एक होता है आपका सोल्यूशन, तो जब आप किसी, मान लो पानी में आप चीनी डालने लग रहे हो, आप एक चम्मच डाल दो, दो तीन चार छः पाँच छः सात चम्मच डाल दो, आप 6 चम्मच पर उसमें 7वीं चम्मच डालोगे, जब आप एक छोटे गिलास में पानी लोगे, है ना, तो 7 चम्मच उसमें आप चीनी नहीं घोल पाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि चीनी उसमें घुलनी बंद हो जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटर, सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, और जब वो चीनी घुलनी बंद हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, पानी जो है सेचुरेट हो गया है। ठीक है, अब आप उसका टेम्परेचर जब बढ़ा देते हो पानी का, तो उसमें आप फिर और चीज़ें घोल सकते हो, यानी कि और चीनी उसमें घोल सकते हो, जब आप एट द मोमेंट आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो। मोर सॉलिड कैन बी एडेड इन द सॉल्यूशन इफ इट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर आपको उसमें से चीनी अलग करनी है, वो सॉल्यूशन में से, पानी में से, तो आपको करना क्या है, आपको उसे ठंडा कर देना है, आपकी चीनी अलग हो जाएगी। करके देखना, इसे बड़ा आसान सा है, करके देखना, फ्रिज में रख देना। पहले क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें पानी में चीनी घुलते आना, घुलते आना, घुलते आना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपकी चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, उस पॉइंट पर आपको उसे गर्म करना है ना, नीचे आग लगा के उसे गर्म कर देना गैस पर रख के, फिर उसके अंदर और चीनी डालनी है, फिर और घोलना, उसे घोलना 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 घोलना, ठीक
है, ऐसा 8-9 चम्मच डाल देना चीनी उसमें, और फिर ले आके उसे फ्रीजर में रख देना। आपकी चीनी जो है थोड़ी देर बाद जब पानी ठंडा हो जाएगा तो आपकी चीनी जो है अलग हो जाएगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ऑल राइट। तो किसी को डाउट हो तो भाई पूछते रहना कमेंट में, ठीक है? किसी को डाउट हो तो पूछते रहना कमेंट में। नाउ इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड द कूलिंग और कूलिंग द सॉलिड पार्टिसिपेटेड आउट, ठीक है, जो आपने उसमें चीज़ मिलाई है सॉलिड कहते हैं उसे, वो चीज़ अलग हो जाएगी। पढ़ा चुका हूँ, लेमनेड एग्जाम्पल इसका बढ़िया सा पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। अब चेंजेस क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल कौन से होते हैं, जिन्हें चेंज जिन्हें वापस आप जैसी मान लो कैसे बताऊँ, जैसे वेपोरेशन था है ना, अब पानी जो है भाप बना, वेपर बना, आपने उसे ये हो गया आपका चेंज, अब आप वापस वेपर से पानी बना सकते हो, है ना, बना सकते हो कि नहीं, बता चुका हूँ, कंडेंसेशन कहते हैं उसे। तो इसे क्या कहते हैं, कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम रिवर्सिबल चेंज, यानी कि आप पानी से वेपर बना सकते हो और वेपर से पानी भी बना सकते हो। अब कुछ होता है इरिवर्सिबल चेंज, है ना, अब मान लो आग लगाई आपने, आपने कोई चीज़ जला दी, आपने कागज़ जला दिया, अब वो कागज़ को आप दोबारा कागज़ नहीं बना सकते जलने के बाद, जो वो राख हो जाएगा, है ना, तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, वापस वापस नहीं ला सकते, ठीक है, अंडू नहीं कर सकते, कंट्रोल जेड नहीं कर सकते, कंट्रोल प्लस जेड आप नहीं दबा सकते, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल, जब आप दबा सकते हैं तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल, राइट। बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज में सिखा सिखा दिया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हीट मेक्स मैटर एक्सपेंड, हीट मेक्स मैटर एक्सपेंड एंड कूलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इट, मतलब आपकी जो हीट है वो किसी चीज़ को, किसी मैटर को एक्सपेंड कर देती है, बड़ा बना देती है, और कूलिंग उसे वापस छोटा कर देती है, ठीक है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग फिजिकल मीन्स ओनली, फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड यूजिंग फिजिकल मीन्स ओनली, कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे अलॉयज, एवेपोरेशन, ये सब आपके एक्सेप्शन है इसके, ठीक है। फिर केमिकल चेंजेस हो गए, केमिकल चेंजेस आर यूजुअली नॉट रिवर्सिबल यूजिंग फिजिकल मीन्स ओनली, इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए आपको केमिकल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे हार्डनिंग ऑफ द सीमेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ गेटिंग नो अवर प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, प्लांट्स के पार्ट कौन से होते हैं, स्टेम होता है, ब्रांचेज होता है, रूट होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, ये सब के प्लांट के पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर आपके हर्ब्स होते हैं कुछ, जिसमें ग्रीन होता है, जो ग्रीन होते हैं, जिसमें टेंडर स्टेम होता है और जिसकी ब्रांचेस नहीं होते, उन्हें कहते हैं हर्ब्स। स्टर्ब शर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स में स्टेम जो है हार्ड होता है और आपका जो ब्रांचेज है उन बेस के नियर होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आपके क्रीपर्स होते हैं जो आपके पूरी तरह से ग्राउंड पर पड़े रहते हैं, कई सारे आपने क्रीपर देखे होंगे, और कुछ क्लाइंबिंग्स होते हैं जो आपके पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं, जो बेल वगैरह होती है ना ऊपर की तरफ चलती हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया, है ना, मनी प्लांट को आप लगाओगे तो ऊपर को चल देगी, किसी भी चीज़ को पकड़ के रस्सी बांध दो उसके आसपास और रस्सी पकड़ो ऊपर चल देगी, ये होता है आपका मनी प्लांट, यानी कि आपके क्लाइंबर्स, ठीक है। फिर होते हैं आपके स्टेम, सॉरी, स्टेम कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, आपके जो स्टेम होते हैं उसका क्या काम होता है, वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को कंडक्ट करना, ठीक है, उन्हें जमीन में से निकाल के प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाना। अब लीव जो है एक पिटोटल होता है, पेटिटोल होता है ना, पार्ट अटैचिंग टू ब्रांच, ठीक है। फिर लिम्बिया होता है जो आपका बोर्ड ग्रीन होता है, मिड रिब होता है जो आपका थिक वेन होता है, और जो आपका लीव वेंडिशन होता है, जो आपको बताता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है। देखो ये जो पार्ट होता है ना, जो लीव से जुड़ा, उससे ब्रांच से जुड़ा होता है, इसे कहते हैं पेटिटोटल, पेटियोल, इसे कहते हैं सेंटर वाले को मिड रिब, इन्हें क्या कहते हैं, मैं पढ़ाता ना, क्या कहते हैं इन्हें, कहते हैं, बताओ जी, बताओ, इन्हें कहते हैं आपको लीफ वेनिशन, ठीक है, समझ आ गया, चाइना रोज़ वगैरह एग्जांपल हो गए, ठीक है। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपका जो वाटर है वो आपके लीव्स के बाहर, लीव से बाहर आके इवेपोरेट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पूल, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है नेसेसरी इविल, ट्रांसपिरेशन पूल इज अ नेसेसरी इविल, ठीक है। ये पेट के लिए नुकसानदायक होता है पर इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, है ना, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, पेट मर जाएगा, ऐसा वाला काम नहीं भाई, आपको जो है चॉकलेट खाने की लत है तो आपको चॉकलेट के बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा वाला नहीं भाई, दवाई वाला कि भाई दवाई, बुखार हो रहा है दवाई नहीं खाई तो मरी जाऊँगा, वैसा वाला, ठीक है।
ये फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ फूड्स ये पता होना चाहिए सबको, फूड मेकिंग यूजिंग क्लोरोफिल वाटर CO2, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन एंड स्टार्च जो है बनाए जाते हैं या उसे बाहर निकाला जाता है, यानी कि उसे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका ऑक्सीजन और स्टार्च होता है, स्टार्च प्लांट अपने लिए रख लेता है और ऑक्सीजन आपको दे देता है या एटमोसफेयर में छोड़ देता है, ठीक है। फिर रूट्स होते हैं, रूट्स का काम ये होते हैं सारे, है ना, एब्जॉर्बेशन, अकॉर्डिंग, होल्डिंग टैप्स एंड लिटरल रूट्स होते हैं आपके कुछ, फिर फेब्रस रूट्स होते हैं आपके कुछ, ठीक है। एंड मेजोरिटी ऑफ प्लांट फूड इज स्टोर्ड इन द रूट, दे बिकम एडिबल। जब आपका जो है रूट के अंदर बहुत ज़्यादा आपका जो है क्या इकट्ठा रहता है, आपका फूड जो है वो रूट्स के अंदर चला जाता है, जो आपके ट्री है बेसिकली लीव्स वगैरह हैं उन पे ना जाकर आपका रूट्स में चला जाता है, तो रूट्स क्या होती है एडिबल हो जाती है, मतलब खाने योग्य हो जाती है। जैसे ये आपका है ग्राउंड एग, है ना, ये आपका है ग्राउंड एग, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे है रूट्स ऐसे करके, इसके ऊपर है क्या प्लांट। अब इस प्लांट का जो फूड है वो रूट्स के अंदर जाता जा रहा है, रूट और बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अब एक मोमेंट ऐसा आएगा जब यहाँ पर एक बढ़िया सा आदमी आएगा, हाँ, वो इसको उखाड़ेगा और खा जाएगा, ठीक है। क्या है, गाजर है, कैरेट है, ठीक है, कैरेट है ये। तो ये होता है आपका जब आपके फूड जो है प्लांट का वो रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लेते हैं, एक पेटल्स होते हैं, कुछ सेपल्स होते हैं, स्टैमेन होता है, पिस्टल होते हैं। देखो जो ये होते हैं पत्तियाँ, जो कलरफुल पत्तियाँ होती हैं ना उन्हें कहते हैं पेटल्स, फिर तो उसके ठीक नीचे वाली ग्रीन जो लीफ होती है उन्हें कहते हैं सेपल्स, फूल के ठीक नीचे वाली, है ना। फिर स्टेमेंस क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर टैप रूट्स होते हैं कुछ, फिर ये पढ़ लेना एक बार। बॉडी मूवमेंट्स पे पढ़ते हैं, बॉडी मूवमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो बॉडी मूवमेंट्स क्या है, सर ब्रेक दे दो, चलो हो गया ब्रेक खत्म, आओ दोबारा पढ़ लो। बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइटर, स्विम, वॉक, ये सब आपके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, राइट। ये सब क्या है, आपके बॉडी मूवमेंट्स हैं। फिर जॉइंट्स होते हैं आपके कुछ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, पिवोटल जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं, फिक्स जॉइंट होते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं एक बार। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं, इनमें मान लो आपके कोई कैविटी है, यानी कि आपको कोई खाली जगह है, फिर उसके आपके एक बोन है जिसके ऊपर हेड है एक, ठीक है, हेड मतलब कुछ ऊपर से एक एजिस पे से थोड़ी बोन मोटी है, तो ये आपका हो जाता है क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या, इसे क्या कहते हैं, जो हेड होता है बोन का उसे कहते हैं बॉल, और सॉकेट हो गया आपका एक खाली जगह, ठीक है। फिर होता है आपके पिवोटल जॉइंट, जो आपका नेक का एक जॉइंट होता है ना उसे कहते हैं पिवोटल जॉइंट। हिंज जॉइंट कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट होते हैं जो एक ही तरफ को मुड़ते हैं, है ना, एक ही तरफ को मुड़ते हैं, जैसे रिस्ट होता है आपका, इसे बस ऐसे से हिला सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पा रहा, अगर दिख रहा होगा उसको देखो, अपनी रिस्ट जो है उसे आप अपने जो हाथ की हड्डी है उसके पैरेलल घुमा सकते हो, है ना, पर उसे अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घुमा सकते उसको ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, है ना। फिर आपका फिक्स जॉइंट होते हैं कुछ, जिसको आप मूव नहीं कर सकते अपने हिसाब से, जैसे स्कल जॉइंट होता है आपके खोपड़ी में जॉइंट होते हैं वो सारे, नहीं आप हिला नहीं सकते अपनी मर्जी से। फिर अपर जो विद स्कल, आपका जो अपर जो होता है ना उसको आप अपनी मर्जी से हिला नहीं सकते, उसे आप हिला ही नहीं सकते, मतलब आपको जो बेसिकली नीचे वाला जो है वो हिलता है हमेशा, जब भी आप बोलते हो, खाते हो, कुछ भी करते हो, आपका नीचे वाला जो हिलता है, ऊपर वाला नहीं हिलता, चाहे तो हिला के देख लो, अभी देखो सब हिला के एक बार, हिला नहीं सर, बिल्कुल नहीं हिलेगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्केलेटन पे, यानी कि आपके जो है बॉडी के अंदर जो है ढांचा होता है ना, फ्रेमवर्क टाइप का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आखिर बने किस चीज़ से हो। अगर कोई पूछे किस चीज़ से बना तो बोलते हैं स्केलेटन से बनाऊँ, ठीक है। रिब केजेस होते हैं आपके, दिखाता हूँ एक बार रिब केजेस आपको, ये होते हैं आपके रिब केजेस, ठीक है, जो रिब्स आपके सेंटर से जुड़ी होती हैं, यानी कहते हैं ट्रू रिब्स, और कुछ होती है आपकी फेक रिब्स, बताता हूँ अभी, फॉल्स रिब कह लो इन्हें, ठीक है। देखो स्टेरम क्या होता है, चेस्ट बोन होती है, जैसे सेंटर में होती है छोटी सी बोन दिखाई देती है ना, वही यूँ करें वो होती है चेस्ट बोन, कौन सी, ये वाली, ठीक है, पीछे वाली तो वो है बैक बोन, पर इस सामने छोटी सी जो होती है इतनी
जिसे कहते हैं चेस्ट वॉल, ठीक है। फिर आपका वर्टिबल कॉलम होता है कुछ, जिसमें 24 रिब्स होती हैं, 12 इस साइड 12 इस साइड, ठीक है। फिर आपके 7 रिब जो होते हैं वो ट्रू रिब होती हैं और 3 आपकी फॉल्स रिब होती हैं। नाउ शोल्डर बोन्स आपको पता होगा, दिख रहा होगा, पेल्विक क्या होता है आपके, ये होती है आपकी शोल्डर बोन, ये होता है आपका पेल्विक, ठीक है। जो आपको पैरों से जोड़े उसे कहते हैं पेल्विक, जो आपके सिर को आपके हाथों से जोड़े या आपके चेस्ट को आपके हाथों से जोड़े उसे कहते हैं शोल्डर बोन, ठीक है। इसका पता ये क्या होता है। फिर कुछ ऐसी बोन्स भी होती हैं, कुछ ऐसे स्केलेटन के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बोन की तरह हार्ड नहीं होते। स्केलेटन के ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज, या उन्हें कहते हैं सॉफ्ट बोन टाइप की चीज़ होती है कुछ वो, ठीक है। उन्हें मोड़ा जा सकता है बड़े आराम से। फिर 206 हड्डियाँ होती हैं, उनमें से कुछ ये पढ़ लेना क्या 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 होता है ना। मसल्स होते हैं आपके, कुछ मसल्स बताऊंगे, है ना। सबके ऊपर होते हैं मांस, जिसे कहते हो मांस को क्या कहते हैं, मसल्स। अब कुछ ये शॉर्टर होते हैं, स्टिफर होते हैं, थिकर भी होते हैं, है ना। ये पेट्स में काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन प्लस रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ये दो मसल आपको चाहिए होते हैं किसी भी मूवमेंट को करने के लिए, किसी भी जॉइंट को मूवमेंट करने के लिए दो मसल्स चाहिए ही होते हैं, राइट। फिर अर्थवर्म पता होगा सबको, स्नेल्स पता होगा, कॉकरोचेस पता होगा, सब पता होना चाहिए, बर्ड फिशेज स्नैक वगैरह सब पता होना चाहिए। हाँ, चैप्टर 9 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। अगर नहीं पता वो चीज़ें तो फिर पढ़ लेना, नोट्स मिल जाएंगे आपको। नोट्स चाहिए आपको तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना एक बार, नंबर मेरा सबका होना चाहिए, अगर नहीं है तो लास्ट में क्लास में मिल जाएगा, अभी पढ़ लो पहले, ठीक है। क्लास क्लास में नंबर मेरे को याद दिला देना, मैं दे दूंगा, पर अभी पढ़ लो, नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सअप ग्रुप में, या फिर मेरे को आप डायरेक्ट बोल देना, ठीक है। चलो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लिंक व्हाट्सअप की, और टेलीग्राम दोनों भी डाल देंगे, ले लेना नोट्स, वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनिज्म लिव इन हैबिटाट एंड दे आर अडोप्टेड टू इट। अब हैबिटाट क्या होता है, जैसे आपका डेजर्ट हो गया, ओशन हो गया, नॉर्मल लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या आपका हैबिटाट है, ठीक है। अडेप्टेशन क्या होता है, आपको किसी हैबिटाट में रहने की आदत को आपको कहते हैं अडेप्टेशन। डेजर्ट होता है उसमें आपको कैमल मिल जाएगा, कैक्टस मिल जाएगा, ओशंस में आपको कुछ फिश वगैरह मिल जाएंगी, फिश वगैरह, डॉल्फिन एंड व्हेल्स। अच्छा ये बताता हूँ, डॉल्फिन, व्हेल और सील और शार्क, इनमें से कौन सी एक ट्रू फिश है, इनमें से कौन सी एक फिश है, बताओ जल्दी। डॉल्फिन, व्हेल, सील और शार्क। कुछ बच्चे कह रहे हैं डॉल्फिन, कुछ बच्चे कह रहे हैं डॉल्फिन नहीं होती, कुछ बच्चे कह रहे हैं शार्क, सील तो कोई कह नहीं रहा ना, सील का तो पक्का मतलब हो ही नहीं सकता। ये देखो अब सील के सपोर्टर भी आ गए, तो यही होता है। चलो डॉल्फिन, व्हेल और सील जो है आपके मैमल्स होते हैं, शार्क आपकी टू फिश जो है आपकी ट्रू फिश होती है, शार्क होती है ये ऐसी, मतलब ट्रू फिश क्या होती है, जो पानी के अंदर सांस ले सके, है ना। डॉल्फिन वगैरह, व्हेल वगैरह, सील वगैरह सब बाहर आना पड़ता है ना सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पानी से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए शार्क को देखा होगा भाई बड़ी गहराई में मिलती है ना, क्योंकि शार्क होती है वो गहराई में रहती क्यों है, वो अंदर सांस ले सकती है, जबकि आपकी डॉल्फिन, व्हेल, फिश ये सब ऊपर ही रहती हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए इन्हें बाहर रहना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है सरफेस पे कभी कभी, ठीक है। फिर लेक्स होते हैं आपके, कुछ कुछ फ्रॉक्स वगैरह पता होंगे सबको, सबमर्ज प्लांट मतलब पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। हाई माउंटेन्स जो होते हैं ये भी आपका हैबिटाट है, इसमें आपके कोल्ड विंडी होता है, स्नोफॉल होता है, यहाँ पर टोन्स जो यहाँ पे ट्रीज होते हैं वो कोन शेप के होते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मान लो बर्फ़ गिरेगी, जमा होता जाएगा धीरे धीरे करके, वो पेड़ को बेंड कर देगी लीव्स को, तो ये अपने आप ही ऐसे हो गए, अब है ना, अब उगते ही ऐसे ढीट हो गए अभी, तो बर्फ़ गिरेगी अपना पिघल के नीचे गिर जाएगी, पिघल के या फिर फिसल के, ठीक है। ऐसे ही ग्रीन पेन से बना दो सर, चलो ग्रीन पेन से बना लो, सुन देख लो, ये आपका ट्री है एक, है ना, चलो अभी नॉर्मल ट्री बनाते हैं पहले, ये हो गया आपका ट्री, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या करती है, बर्फ़, बर्फ़ जो होती है वजन होता है उसके अंदर, तो ये पेड़ को नीचे जाने के लिए बर्फ़ क्या करेगी, ग्रेविटी की वजह से ऐसे हो जाएगी, इस साइड वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो पेड़ हो गया ढीठ, उसने शेप ही अपनी ऐसी कर ली अब, ठीक है, उसने शेप ऐसे कर ली अपनी, अब उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है वो अपने आप नीचे गिर जाती है, उसे और दिक्कत होती है पेड़ को, ठीक है।
ऐसे होते हैं आपके पेड़, ये जो होते हैं कोन शेप पेड़ ऐसे होते हैं। अब इसकी लीव्स जो है वो नीडल लाइक होती है, यानी कि सुई की तरह होती है, बहुत तेज चुपती है, स्लोपिंग ब्रांच होती है, बता चुका हूँ पहले ही। फिर यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी रहते हैं जिसकी स्किन जो है थिक होती है, फर होते हैं उसके, और जो उसके हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन गोट्स हो गया, क्लाइंबिंग ऑन रॉक्स, ये आपके काम के जो होती है। ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं, ग्रासलैंड्स में शेर भी मिल जाएंगे आपको, और आपको डियर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, दे फास्ट होते हैं, लाइट होते, मतलब हल्के होते हैं, तेजी से भागते हैं, सब चीज़ें इनकी खासियत होती है ग्रासलैंड के हैबिटाट्स की, ग्रासलैंड के ऑर्गेनिज्म की। फिर क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अलाइव, आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए फूड, खाना, बहुत है फेमस एक रोटी कपड़ा मकान, ऐसा नहीं है। फूड ग्रोथ रेस्पिरेशन एंड रिस्पॉन्स, ये सब आपको चीज़ें चाहिए होती हैं जिंदा रहने के लिए। रोटी कपड़ा मकान के बिना भी जिंदा रह सकता है आदमी, हाँ रोटी के बिना तो नहीं रह सकता है। तो आपको चाहिए फूड, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी आपको कोई मिल जाए। फिर आपको ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होती रहनी चाहिए। रेस्पिरेशन, नॉट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आप रोक नहीं सकते, जब ब्रीदिंग होती है आपको रोक सकते हो, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स, यानी कि आपको क्लाइमेट के आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो आपको अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आप मर जाते हो, मतलब तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। क्लाइमेट्स के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंडियंस जो होते हैं, मतलब इंडियंस सॉरी ह्यूमंस जो होते हैं, वो क्लाइमेट के जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं अच्छे से, है ना। आप मान लो शिमला की ठंड में चले जाओ या रशिया की ठंड में चले जाओ, बर्फ़ यहाँ पे माइनस में चल रहा है ना टेम्परेचर, तो वहाँ पर भी आप रह सकते हो, जिंदा रहते हैं वहाँ पर भी इंसान, है ना, वहाँ पर भी जिंदा रहता है इंसान। और आप डेथ वैली कैलिफोर्निया में चले जाओ जहाँ पर 50 डिग्री तक पहुँचा रहता है टेम्परेचर, वहाँ पर भी आप जिंदा रहते हैं इंसान। तो ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अडेप्ट होते हैं, मतलब वो कहीं भी रह लेते हैं, कहीं भी से मेरा मतलब ज्वालामुखी नहीं पर रह सकते हैं, ज्वालामुखी में भी ऐसी बात नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो सूट वूट पहन के ज्वालामुखी के अंदर चले गए, ठीक है। ज्वालामुखी के अंदर लोग, कुछ वोल्केनो के अंदर लोग घुस चुके हैं सूट वगैरह पहन के, अगर नहीं देखो देख लेना यूट्यूब पर मिल जाएगी वीडियो, अब लिंक भी मैं दूँ, देख लेना खुद जाके ढूंढ लो, ठीक है। लो तो यह था आपका रिस्पॉन्स। फिर एक्सक्रीशन होता है, कुछ रिप्रोडक्शन होता है, फिर मूवमेंट होता है आपका, मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। वायरस होते हैं, यूग्लेना होता है, आर्किया होता है, सल्फर बैक्टीरिया होता है। समरी आपकी क्या है पूरे इसकी, कि आपकी लाइफ की, कि आप लाइफ जियोगे, पैदा होगे, आप रेस्पिरेशन लोगे, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली करोगे, रिप्रोड्यूस करोगे, है ना, और फिर जो मूवमेंट होगी आप ग्रो हो गए या फिर डाई हो जाओगे, ये है आपकी ज़िंदगी बस एक लाइन के अंदर, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे, चैप्टर नंबर 10, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मोशंस एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस। अब ये क्या वाला है इसको भी समझते आओ। देखो बोट्स क्या होती हैं, बोट्स आपकी कुछ नहीं होती, बस लकड़ी की बनी हुई चीज़ें होती हैं। अब तो खैर मेटल वगैरह से ही बनने लग गई, पर पहले के टाइम पर बोट्स क्या होती थी, सिर्फ लकड़ी की बनी होती थी। उसके अलावा टिल 19th century हम क्या करते थे, एनिमल यूज़ करते थे, किसके लिए, अपने मूवमेंट के लिए, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप क्या करते थे, एनिमल्स यूज़ करते थे, बुल कार्ट यूज़ करते थे, आप ऐसी चीज़ यूज़ करते थे, ठीक है। फिर आपके पास स्टीम इंजन आया 18th century में, ठीक है, न्यू कॉमन ने उसे डिस्कवर करा था, उसको वॉट ने इम्प्रूव, अच्छा न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन को डिस्कवर करा था, वॉट्स ने उसे इम्प्रूव करा था, उसे डिस्कवर किसने करा था, न्यू कॉमन ने। यूपीएससी प्री में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि न्यू कॉमन ने, सॉरी जो स्टीम इंजन है उसे डिस्कवर किसने करा था, तो आपको ध्यान देना न्यू कॉमन ने करा था और वॉट्स ने उसे इम्प्रूव करा था उस खाली, ठीक है। पर जो कि वॉट्स ने उसे इम्प्रूव करा था, उसने काम करने लायक बनाया था उसे, तो 19th century में वो फेमस हो गया वॉट्स, ठीक है। फिर 19th century में आपके पास ट्रेन वगैरह आ गई, रेलवेज आ गया, ठीक है, इंडिया जैसी जगहों पे भी आ गया था। 1910 में आपके पास एरोप्लेन आ गया जो कमर्शियल और आर्मी यूज़ के लिए यूज़ होता था। 20th century में आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह पता नहीं क्या क्या आ गया, ठीक है। फिर डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होता है और यहाँ से परमानेंटली फिक्स मूव हो जाना उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर परमानेंटली मूव हो जाना उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट हो जाने को। जबकि आपका जो है पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगा, जो उसके बीच में दूरी होगी उसे डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड नीड गोल्ड ऑफ स्टैंडर्ड एसेंशियल, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। आपकी यूनिट होती है कुछ आपके 1790 में जो है 1790 में आपके फ्रेंच में
मैट्रिक सिस्टम यानी कि ऐसा यूनिट आपकी डिस्कवर हुई थी कहाँ पर, 1790 में आपके फ्रेंच में, ठीक है। ये आपके कुछ ऐसे मीटर्स वगैरह हैं, बेसिक्स हैं, पढ़ लो एक बार। मीटर क्या होता है, किसके लिए, लेंथ के लिए होता है, किलोग्राम किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, सेकंड्स किसके लिए होते हैं, टाइम के लिए होता है, एम्पियर किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, केल्विन किसके लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है, कैंडेला किसके लिए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है, मोल किसके लिए होता है, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के लिए होता है। ऑल राइट, अगेन आई रिपीट, मीटर किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, किलोग्राम किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, सेकंड्स किसके लिए होते हैं, टाइम के लिए होता है, एम्पियर किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होता है, केल्विन किसके लिए होता है, टेम्परेचर के लिए होता है, कैंडेला किसके लिए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए होता है, और मोल किसके लिए होता है, आपके सब्सटेंस के अमाउंट के लिए। फिर मैट्रिक्स कुछ ये होता है पढ़ लेना इन्हें, फ्लॉपी डीवीडीज वगैरह इन सब में पी भी जो होता है क्या होता है, पैराबाइट, ठीक है, सर्वर्स भी यूज़ होता है आपके, छोटे सर्वर नहीं, बड़े सर्वर जो होते हैं, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेट लाइन होता है एक, यानी कि सीधी लाइन, वैसे रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं, दो पॉइंट के बीच में होता है ये। फिर आपका होता है सर्कुलर मोशन, जैसे घूमने वाला होता है सर्कुलर मोशन, होता है पीरियडिक मोशन, या आपके पेंडुलम वगैरह होते हैं, यहाँ पे आपने एक धागे से कोई भारी चीज़ लटका दी, अब इसको धक्का दिया तो ये घूमता रहेगा उसी, है ना, इसे कहते हैं पीरियडिक मोशन। रोलिंग मोशन होता है, जो आपकी बॉल होती है वो रोल करती रहती है, गिरती रहती गिरती रहती है स्लोप के ऊपर, तो उसे कहते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, अब ये क्या है इसे पढ़ लेते हैं एक बार। लाइट, अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट हो, जैसे स्टार्स हो गए, जैसे सन हो गया, है ना, इनके पास बेसिकली क्या है, अपनी खुद की लाइट है, इनको लाइट के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। जैसे मून है, मून को लाइट के लिए सन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जबकि सन के पास अपनी खुद की लाइट है, ठीक है। वो है किस लिए, टेम्परेचर की वजह से, उसके बहुत सारे फंडे हैं वो बाद में बताऊँगा आने वाली क्लासेज में, ठीक है, गैसेज वगैरह की वजह से, कुछ आने वाली क्लासेज में बताया जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, दो मिनट रुकेंगे, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो पढ़ते हैं आगे, हाँ हो गया ब्रेक भी अब तो। फिर आपकी कुछ होती है जो लाइट होती है, वो पहले आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, फिर उसके बाद आपकी आंखों में आती है, तब आ जाकर आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। पढ़ लेने के बाद सब शेडो वगैरह, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बताने की जरूरत नहीं, बेसिक चीज़ें पढ़ लेने के बाद, ठीक है। पिन होल कैमरा होता है, कुछ कुछ नेचुरल पिन होल होते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन होता है, मिरर्स होते हैं, पेरिस्कोप होता है, ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है, आपके छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो है ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जाता है पेरिस्कोप, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका लाइट पास होने की वो है मिरर्स के द्वारा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, इसे समझा दो, लो समझ लो, देखो ये है एक मिरर, ये है एक लेंस, ये है एक लेंस, ये है एक मिरर, ठीक है। ये है आपकी आँखें, आप यहाँ से देखोगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या है, ऐसे ही ये आपकी आंखें, ये मिरर है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, ये आपको दिख गया आपको क्या है, ठीक है। ये लेंस क्या करते हैं, आप जूम इन जूम आउट काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट ये क्या है, ये पढ़ लेते हैं एक बार, अब इलेक्ट्रिसिटीज एंड सर्किट्स क्या है ये पढ़ लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिकल फिनोमेना है, पर आप जब उसे क्या कहते हैं आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको उसे इसमें फिजिकल नहीं माना जाता, ठीक है, सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर टैक्स वगैरह जो है फिजिकल नहीं माने जाते इसे, ठीक है। आईटी में यूज़ करे जाते हैं, काउंट करे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, ठीक है। टैक्स वगैरह अलग अलग लगते हैं, सबको पता होना चाहिए बातें, अगर नहीं पता तो जान जाओ अभी इसमें। पॉलिटी अभी शुरू हो जाएगी, पॉलिटी अभी एक दो दिन में शुरू होने वाली है ना, कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी आपकी पॉलिटी यहीं पर ही फ्री में। और पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी नहीं होगी, वो आपकी जो है गवर्नेंस वगैरह भी होगी इसमें, हाँ पॉलिटी
गवर्नेंस और आईआर तीनों चीज़ होंगी इसमें, ठीक है। आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, आपकी तीनों चीज़ एक ही कोर्स में होगी, है ना, ठीक है। कोर्स बड़ा ही ज़बरदस्त होगा, वो ध्यान से देखना, उसे भी आने वाला है कुछ दिनों में कोर्स, तो फिर सारे ज़बरदस्त होंगे आप जो भी आएंगे। फिर केयरलेसनेस, ठीक है, अगर आप बेले से खेलते हुए केयरलेस करोगे तो आपको इंजरी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है आपकी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें मेटल गैप होती है, ये एक आपका सेल हो गया, है ना, इसके नीचे एक और सेल लगा दो तो इसके जो लिक्विड होता है अंदर वो जल्दी ख़त्म होगा। अब वो जल्दी ख़त्म होगा तो सेल ख़त्म हो जाएगा, बैटरी पावर ख़त्म हो जाएगी सेल की, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होते हैं आपके, इसे थॉमस एल्वा एडिसन ने कुछ खोजा था। इसके अंदर आपका फिलामेंट होता है बीच में एक, है ना, अगर वो फिलामेंट टूट जाए ऐसी चीज़ होती है यहाँ पर जिसके ऊपर करंट आने की वजह से वो जलता है ना, अगर ये टूट जाए, अगर ये टूट जाए बीच में से तो आपका बल्ब जो है बुझ जाता है, राइट। बल्ब बुझ गया, अंधेरा हो गया दिख नहीं, इसलिए बल्ब भी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर स्विच क्या होता है आपका, स्विच जो है सिंपल होता है, बाकी सब पढ़ लेना एक बार। सिंपल आपका करंट को रोकने के लिए या फिर उसको जोड़ने के लिए आपका स्विच यूज़ कराया जाता है, पढ़ लेना एक बार ये सब चीज़ें। फिर क्लोज इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर कुछ होता है, रबर जो है वो होती है बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए रबर वगैरह आप यूज़ करे जाते हैं। फन विद मैग्नेट्स, अब मैगनेट साथ मजे लेना सीख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेट साथ मजे लेने नहीं, चलो मैग्नेट से मजे लेने। अब देखो जरा, अब मेटल क्या है, बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट्स आयरन, दिस आर कॉल्ड मैग्नेट्स। अब क्रेन के अंदर भी होती है मैग्नेट, है ना, वो आर्टिफिशियल होती है मैग्नेट। जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहाँ पर है मैं दिखाऊँ आपको जरा, दे रही। अब आयरन में आप जब आयरन से आप जब मैग्नेट बनाते हो तो होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब कुछ नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स भी होती हैं जो आपको नेचर में मिल जाती हैं, पर नेचर हमारे लिए सब कुछ नहीं है, मतलब नेचर से हमारा फायदा कुछ गुजारा नहीं होता। फ़ायदे तो बहुत है नेचर के, पर हमारा उससे गुजारा नहीं होता। हम इंसान थोड़े लालची टाइप के हैं तो हमने आर्टिफिशियल बना ली, है ना। चाइना आजकल डायमंड बनाने लग रहा है आर्टिफिशियल, चाइना जो है कोरोना वायरस से पहले जो आपका डायमंड बना रहा था आर्टिफिशियल, ठीक है, कोहिनूर था ये डायमंड जो बनाया था मैंने, भी कोहिनूर था ये, कोहिनूर से भी बड़ा था थोड़ा। चलो हाँ, अब पोल्स। अच्छा शेप क्या होता है, मैग्नेट के शेप होते हैं, कुछ बार होते हैं, हॉर्स तो शो होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बॉल मैग्नेट होता है, बॉल एंडेड होते हैं, सब आप मैग्नेट के पार्ट होते हैं। कैसे, ये जो है आपका ये हॉर्स शो है, हॉर्स शो मतलब घोड़े की नाल वाला, है ना, ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है। ऐसे ही कुछ पोल्स होते हैं, इसमें नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये आपका नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली बात है साउथ पोल होगा, ठीक है, ये दोनों को अट्रैक्ट नहीं करते, है ना, सॉरी ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, ठीक है। फिर डायरेक्शंस होते हैं, कुछ पोल्स वगैरह होते हैं, फिर कंपास वगैरह होता है, पढ़ लेने के बारे कंपास वगैरह का सिस्टम, ठीक है। आपको करना क्या है, बेसिकली कंपास बनाने का तरीका भी बता रखा है मैंने बेहतरीन तरीके से ही रखो, कि कंपास बनाने का तरीका पढ़ लेने के बारे से बनाना चाहो तो कर, ठीक है। अब आप एक मैग्नेट को किसी दूसरे आयरन के ऊपर अगर जल्दी से उसके रगड़ोगे ना तो ये आयरन जो है ये टेम्प्रेरी मैग्नेट बन जाता है एक, ठीक है। फिर डिफरेंट पोल्स के अट्रैक्शन होते हैं, सेम पोल्स जो है रिपल्शन करते हैं, ठीक है। फिर चैप्टर 14 H2O, H2O मतलब वाटर, ठीक है। अब वाटर क्या है, 89% जो वाटर है वो ड्रिंकिंग वाटर है, है ना। 1/9 ऑफ द जो है लोग उनके पास सेफ वाटर नहीं है, 7500 मिलियन, और सॉरी 7500 मिलियन, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, 750, है ना, 750 मिलियन लोगों के पास जो है ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। 71% ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर बना है। फिर कुछ डाटा दिखाता हूँ आपको, ये देखो ओशंस टोटल वाटर 96.5% वाटर जो है वो ओशंस में, फ्रेश वाटर 2.5% है, और 0.9% जो है अदर कुछ पानी है ऐसी, है ना। अब जो 2.5 फ्रेश वाटर है ये 2.5%, इसमें से 68% ह्यूज अमाउंट जो आपके ग्लेशियर्स और आइस कैप में से है, और एक 30% जो आपका है वो अंडरग्राउंड है, और कुछ आपका 1.2% आपका सरफेस पर है, ठीक है ना।
जो आपका डेली एवरेज कंजम्पशन है एक ह्यूमन का वो इतना है, 5 से 10 के अबाउट, ठीक है, 5 से 10 लीटर। इंडिया में इतना यूज़ होता है, यूएसए में इतना यूज़ होता है। अब वाटर जो है बेसिकली टॉयलेट फ्लश वगैरह यहाँ पर ज़्यादा जाता है ना। अब इंडिया में या सॉरी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जितने फ़ोन्स नहीं है उतने, सॉरी जितने टॉयलेट्स नहीं है उतने फ़ोन हैं। मतलब टॉयलेट्स की, मोबाइल फ़ोन्स की संख्या जो है ना, गिनती जो है मोबाइल फ़ोन्स की, वो टॉयलेट से ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में, एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। आपके इतने टैप्स वगैरह ये सब पढ़ लेना, ऐसे फैक्चुअल डाटा, थोड़ा आपका आंसर जो मीन्स में आंसर राइटिंग जब आप करोगे तो उसमें ये सब डाटा इंक्लूड करना, तो आपके उसके काम आता है, ठीक है। एवरी मिनट 1 चाइल्ड डाइज ड्यू टू द फ्रेश वाटर रिलेटेड डिजीज़। जो आपके वाटर रिलेटेड डिजीज होते हैं उनकी वजह से हर मिनट एक आदमी, एक बच्चा मरता है वर्ल्ड में, ठीक है। फिर इधर आपका ईच डे जो है आपका टाइम स्पेंड होता है किस पे, वाटर कलेक्शन पे, है ना, ठीक है। ये डाटा हम देख चुके हैं पहले, ये एक बार देख लेना, पढ़ लेना। ये भी कुछ डाटा आपका फैक्चुअल डाटा है, पढ़ लेने से एक बार, समझाने की जरूरत नहीं है, इसे बस रटने की जरूरत है, याद कर लेने से, यही पढ़ लेना। फिर फ्रेश वाटर डज नॉट मीन द पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर, ठीक है। अ फ्लड हैपन्स इफ देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल इन द और क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। मतलब अगर आपका बादल फूट जाए या ज़्यादा से जरूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है, बारिश ना आए तो सूखा पड़ जाता है। अब जाए तो जाए कहाँ, है ना, ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है अपने साथ। फिर आप कंजर्वेशन करना चाहिए, आपको वाटर बचाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रूफ टॉप से आपका पाइप्स में जाएगा, फिर स्टोरेज टैंक में जाएगा, फिर फिल्टर होकर उसे ग्राउंड वाटर से रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है। फिर वाटर साइकिल पता होनी चाहिए आपकी, वाटर साइकिल ये है, बचपन में पढ़ाते हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो होशियार हो जाओ, पढ़ने की ज़रूरत है, फिर समझा देता हूँ। चलो मैं, वाटर है ये, ओशंस है ना, यहाँ पे सुबह जो है गर्मी दे रहा है, अब इससे आपका भाप बन रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ये हो रहा है ना इवेपोरेशन, है ना, ये इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, बादल बन रहा है, कंडेंसेशन हो के, ठीक है। ये और आपका कंडेंसेशन हो रहा है, ये क्या बन रहा है, बादल बन रहा है वापस से। अब ये वापस से यहाँ पर बादल बन गया, यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, ठंड ऊपर ज़्यादा होती है, जब ठंड ज़्यादा होगी तो वापस वो आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है, वापस से कंडेंसेशन हो जाएगा, फिर आपका वो नीचे आगे बारिश बन जाएगा, फिर वापस नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा, ओशन में जाएगा, इधर उधर मिल जाएगा, फिर आपका यही चलता रहेगा, बस यही पानी की ज़िंदगी है, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन क्या होता है, आउटकम होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमोसफेयर ग्रेविटी, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन एटमोसफेयर ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ड्रिजलिंग होती है, आप कुछ ये सब चीज़ें पढ़ लेना एक बार। रिटर्निंग टू द सोर्स आपका जो, ये सब इसके बारे में बता चुका हूँ पहले मैं, कि रिटर्न अब सोर्स के ऊपर वापस आ जाता है ज़्यादातर पानी, है ना, ग्राउंड वाटर होता है, फिर रेनफॉल होता है, रनअप होता है, सब चीज़ में बता चुका हूँ इसमें। एयर अराउंड अस, अब आते हैं हवा के ऊपर, पानी से बहुत खेल लिए, अब आते हैं हवा के ऊपर, पानी से खेल लिए, बिजली से खेल लिए, अब आ जाते हैं एक बार हवा के ऊपर। देखो हवा जो है हर जगह है, पानी में भी है, सॉइल में भी है, सराउंडिंग्स में, हर जगह है, वैक्यूम में नहीं है, बस खाली कहाँ पर नहीं है, वैक्यूम में नहीं है, और बाकी हवा जो है हर जगह है। अब हवा जब चल रही होती है उसे कहते हैं विंड, ठीक है। अब विंड और एयर में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, जो हवा चल रही होती है उसे कहते हैं विंड, जो हवा ठहरी हुई है तो वो वैक्यूम हो गया, है ना, मतलब तेज़ चल रही है तो विंड कहते हैं, धीरे चल रही है तो एयर कहते हैं, ठीक है, इतना समझ लो बस, समझ गए। मान लो आपने गुब्बारा दिया एक, अब गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी, अब उस गुब्बारे के अंदर जो हवा है वो एक जगह रुकी हुई है ना, रुकी हुई तो है, उसे कहते हैं एयर। अब प्रकृति में जो हवा है वो भागी चली आ रही है, हिल रही है, आपको उड़ा रही है, पेड़ और गिरा रही है, सब कर रही है, इसे क्या कहते हैं, विंड, ठीक है, ठीक है। थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर। एटमोसफेयर को पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा, या एक्सपेरिमेंट से करके देख लेना थोड़ा सा। फिर नाइट्रोजन वगैरह है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, फिर CO2 है, फिर नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है, ठीक है, वाटर वेपर भी है कुछ। फिर एटमोसफेयर क्लियर पढ़ते हैं, एटमोसफेयर को थोड़ा जान लेते हैं। आपको होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, ट्रोपोपोज तक होता है, ट्रोपोपोज कहाँ है ये दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुको, ध्यान देंगे जरा, क्या करेंगे, ध्यान देंगे, लेट मी जूम इन। अब देखो ये आपका ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, अब ये लाइन जो है जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है और आपका स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है उसे कहते हैं ट्रोपोपोज, ठीक है। अब जहाँ पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होता है और आपका मेसोस्फेयर शुरू होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटोपोज, ठीक है।
जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ उसे कहेंगे ट्रोपोपॉज, और जहाँ पर आपका स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हुआ उसे कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। फिर आता आपका मीटर मेसोस्फेयर यानी कि मीटरोपॉज। अब यहाँ पे क्या होता है, मीटर जो है वो जलने लग जाते हैं, हाँ। ऐसे ही आपका फिर थर्मोस्फेयर होता है जिसमें आपका एरोरास बनते हैं, फिर आपका शेट थर्मोपॉज होता है कुछ, फिर आपका स्पेस शटल वगैरह यहीं पर मिल जाते हैं सारे। फिर एक्सोस्फेयर होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। अब एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में, चलो। तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये आपके अर्थ से लेकर कहाँ तक है, आपके कुछ 9-10 किलोमीटर तक है ना, 8-9 किलोमीटर तक है। पोल्स पे 9 किलोमीटर होता है और आपके 17 जो है इक्वेटर पर होता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर फॉल होता है यहाँ पर, 80% ऑफ एटमोसफेयर का मास इसमें मिल जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर होता है जो आपके ट्रोपोपोज से लेकर स्ट्रेटोपोज तक चलता है, इसमें आपके ओजोन मिल जाती है ना। ओजोन जो है O3 या ओजोन जो है जब तक आपके स्ट्रेटोस्फेयर में तब तक बड़ी फ़ायदेमंद है, आपको सन यूवी रेज वगैरह से बचाती है। पर एट द मोमेंट ये ट्रोपोस्फेयर में आ गई ना तो ये बड़ी जहरीली गैस है ना। फिर टेम्परेचर राइस होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, हाई लेयर ऑफ एयर, हाईएस्ट लेयर फॉर एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर जेट पावर इंजन जो होते हैं बड़े बड़े प्लेन, महंगे वाले भारी वाले, वो चलते हैं, इससे ऊपर प्लेन आपके नहीं चलते है ना, एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं चलते एक्सेप्ट जो आपके रॉकेट्स वगैरह होते हैं वो। फिर मेसोस्फीयर होता है यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, यहाँ पर -850 डिग्री सेल्सियस होता है एवरेज, ठीक है। वेरी करता है अलग अलग जगहों पर, एवरेज मान के चलते हैं इतना होता है ना। फिर इसमें म्यूटर वगैरह बन जो आपके जल जाते हैं है ना, कुछ बच भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ बच भी जाते हैं, वो नीचे तक पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पे लोअर सेटेलाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा कम होता है ये, और आपके एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है ये, ठीक है। सेटेलाइट्स वगैरह यहाँ पे नहीं चला सकता, उसके लिए बहुत नीचे होता है ये, और आपका जो एयरक्राफ्ट वगैरह है उसके लिए बहुत ऊंचा होता है ये। फिर थर्मोस्फेयर होता है, एक थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ लें एक बार। यहाँ पर आपके वाटर वेपर नहीं होते तो क्लाउडलेस होता है बिल्कुल ही। इसका आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ मिल जाता है आपको 322-380 किलोमीटर के आसपास। फिर आपका अरोरा बनते हैं इसमें, अरोरा बोरालिस क्या होता है जो आपका नॉर्थ में होता है, ऑस्ट्रेलिस क्या होता है जो आपका साउथ में होता है। ये आपका पृथ्वी हो गई, चलो बढ़िया से बना लेते थोड़ी सी, ठीक है। जो यहाँ की साइड बनेंगे ये आपका इक्वेटर हो गया, जो यहाँ की साइड बनेंगे अरोरा उन्हें कहते हैं अरोरा बोरालिस, जो यहाँ की साइड बनेंगे अरोरा उन्हें कहते हैं ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। पोल्स से बनते हैं अरोरा, ठीक है। फिर एक्सोस्फीयर होता है आपका, ये बहुत हाई होता है, इसके लिए पढ़ना, ये आपका अरोरा है, ठीक है, ये आपका अरोरा है, ठीक है, ये आपका अरोरा है, ठीक है। फिर एयर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, टेक CO2 एंड प्रोड्यूस CO2, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेशन हो गया, विंडमिल हो गया, ये सब चीज़ आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। फिर अर्थवर्म वगैरह जो है सॉइल्स के नीचे क्यों रहते हैं, जब उसमें बारिश हो जाती है तो वो बाहर क्यों रहते हैं, क्योंकि आपके जो अर्थवर्म वगैरह वो होल्स में रहते हैं, है ना। अब मान लो बारिश आई, बारिश यहाँ पे जब आई है उसमें पानी भर गया, तो क्या करेगा गरीब आदमी, इसे बाहर निकल के आना पड़ेगा, पानी में तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बाहर आते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन वगैरह पढ़ लेने भी। Chapter 6 गार्बेज एंड गार्बेज आउट, इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है, खुद ही पढ़ लेना। सेग्रेशन है, लैंडफिल्स वगैरह है, मैन्योर है वगैरह, ये सब पढ़ लेना। अर्थोम को वो कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, ग्राइंडिंग फूड होता है, ग्रेजार्ट होता है, अर्थोम होता है, सब पढ़ लेना, रेड बॉम वगैरह है ना। चलो ये प्लास्टिक वगैरह यूज़ वगैरह पढ़ लेना। रिड्यूस, रीयूज़, रिप्लेस, रिसाइकल, डू नॉट यूज़ स्टोर फूड, और यूज़ वर्न कंपोस्ट और गार्बेज डिस्पोजल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में। अब जो बच्चे लाइव देख रहे थे उनके लिए बहुत बढ़िया, लाइव में मेरे से कमेंट करें जिन्होंने पूछा। अगर कोई लाइव नहीं देख रहा, बाद में देख रहा है और कुछ को कुछ दिक्कत है तो कमेंट करें, आपको मात्र 3 से 4 घंटे में आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए आज सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, सपोर्ट करें थोड़ा सा, वीडियो को शेयर वगैरह करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा, हमें भी लाइक वगैरह ठोक देना, है ना। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।